Assalamu alaikum, respected doctors. Welcome to my YouTube channel, MBBS and BDS lectures. आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो नंबर है हमारे YouTube चैनल पर, वो है 326, मतलब 325 और भी इस तरह के वीडियोस मौजूद हैं. और लेक्चर जो है वो हमारे साथ है ओरल हिस्टोलॉजी या ओरल बायोलॉजी का, या उसके थे डेंटल एनाटॉमी. और जो टॉपिक है आज वो है डेवलपमेंट ऑफ टूथ की डेवलपमेंट. तो अब हम आते हैं टॉपिक आउटलाइन में कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले टॉपिक आउटलाइन में हमारे साथ आता है पार्ट्स ऑफ टूथ, टूथ के हम पार्ट्स पढ़ेंगे. नंबर टू जो टॉपिक आउटलाइन है वो है स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट, टूथ डेवलपमेंट की स्टेजेस हम पढ़ेंगे, जो तकरीबन 13 स्टेजेस है. तीसरा है ईच स्टेज डिटेल, फिर हर स्टेज के हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे. और चौथा है ईच टूथ पार्ट डेवलपमेंट, हर टूथ की जो पार्ट है नॉर्मल डेंटिन उसके अलग अलग हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ टूथ से, टूथ के पार्ट्स. अब ब्रॉडली हम टूथ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक उसका क्रोन, एक उसका रूट. अब टूथ को वो हिस्सा जो ओरल कैविटी में विजिबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो है क्रोन, और जो इनविजिबल है वो है रूट. अब क्रोन में फिर हमारे साथ क्या होता है, सबसे पहले जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो है इनामेल, उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो है डेंटिन, और जो तीसरा डेंटिन के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है वो है पल्प, जिसके अंदर इनर्वेशन मौजूद है, ब्लड सप्लाई मौजूद है. तो ये हुए ये तीन पार्ट्स क्रोन के. अब हम आते हैं रूट. रूट वो पोर्शन होता है टूथ का जो ओरल कैविटी में विजिबल नहीं है. उसमें फिर हमारे साथ जो आउटर जो पार्ट है वो, जैसे कि क्रोन में एनामल था, यहां पर सीमेंटम है. दूसरे नंबर पर क्रोन में डेंटिन था, यहां पर भी रूट डेंटिन है. तीसरे नंबर पर क्रोन में पल्प था, यहां पर भी पल्प है, लेकिन यहां रूट में जो पल्प है उसे कहते हैं रूट केनाल. तो ये हमारे साथ पार्ट्स ऑफ टूथ हुए. अब हम देखेंगे डायग्राम से हम पार्ट्स ऑफ टूथ देखेंगे. अब हमारे साथ सबसे पहले क्रोन है. क्रोन में जो हमारे साथ आउटर है व्हाइट, वो एनामेल, फिर जो येलोविश है वो डेंटिन, फिर पल्प, फिर इसी तरह रूट में हमारे साथ सीमेंटम है, इसी तरह हमारे साथ रूट केनाल है और डेंटिन है. तो पार्ट्स ऑफ टूथ पढ़ने के बाद दूसरा हमारे साथ है स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट, टूथ डेवलपमेंट की स्टेजेस. अब स्टेजेस से पहले हम देखेंगे कि हमारा टूथ जो है वो दो स्ट्रक्चर की कॉम्बिनेशन से बनता है. एक है ओरल एपिथेलियम, जो हमारा ओरल कैविटी के एपिथेलियम है, और दूसरा जो है वो है मेसेनकाइमल सेल्स, जो मेसेनकाइम के सेल हैं उससे बनते हैं. इन दो स्ट्रक्चर से हमारे टूथ की डेवलपमेंट होती है. अब मेसेनकाइमल सेल क्या होते हैं, ये वो सेल होते हैं जो न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेराइव्ड होते हैं एम्ब्रियो के दौरान. अब सबसे पहले अब स्टेजेस में सबसे पहले जो स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट का वो है डेंटल लेमिना. अब डेंटल लेमिना कैसे बनता है, इसमें जो हमारा ओरल एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो मेसेनकाइमल टिश्यू में इनवेजिनेशन करता है, इनवर्ड मूव करता है. इस डायग्राम में देखे पहला नॉर्मल डायग्राम है, दूसरे में इनवेजिनेशन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के तीसरे में तो बहुत ज्यादा इनवेजिनेशन. तो ये हमारे साथ पहला स्टेज है डेंटल लेमिना. दूसरा जो स्टेज है वो हमारे साथ टूथ डेवलपमेंट का वो है बड स्टेज. बड स्टेज में क्या होता है, अब जब ओरल एपिथेलियम का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो जब फर्दर मूव करेगा मेसेनकाइमल टिश्यू के अंदर, तो एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहते हैं बड स्टेज. जैसे कि हम जो प्लांट हम बढ़ते थे उसमें बड, उसी तरह देखिए ओरल एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन ने बहुत ज्यादा मूव किया और एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन गया. तो ये अपर जा में भी बनेंगे हर टूथ का अलग अलग बट, और लोअर जा में भी बनेंगे, फिर हर बट से टूथ बनेगा. तीसरा जो स्टेज है वो एक कैप स्टेज. अब कैप स्टेज में क्या होता है, अब जो बट बन गया, अब उस बट के अंदर नीचे से जो मेसेनकाइम है वो उसके अंदर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके थे कैप स्टेज. और कैप स्टेज में क्या होता है, कैप स्टेज में दो पार्ट फिर उसके बनते हैं, एक आउटर एक इनर. आउटर कहते हैं आउटर एनामल एपिथेलियम या डेंटल एपिथेलियम, और लोअर कहते हैं इनर एनामल एपिथेलियम. अब एमसीक्यूज में आता है कि स्ट्रक्चर जो कैप स्टेज के दौरान मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे कैप है जब हम पहनते हैं टोपी वगैरह,
तो उसकी कैप स्टेज के दौरान कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। तीन स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, एक है आउटर डेंटल एपिथेलियम या उसे कहते हैं आउटर एनामल एपिथेलियम, दूसरा है इनर डेंटल एपिथेलियम या उसे कहते हैं इनर एनामल एपिथेलियम, और उन दोनों के दरमियान जो है वो है स्टिलेट रेटिकुलम, वो स्टार शेप सेल मौजूद होते हैं। अब आउटर एनामल, जैसे कि इससे पहले पिक्चर में हमने देखा एक बोमेन कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर था, जैसे कि बोमेन की है पैराइटल लेयर विजरल लेयर, उसके दरमियान में क्या होता है, उसके दरमियान में होता है फ्लूइड प्रोटीन वगैरह। इसी तरह इसमें आउटर लेयर को आउटर एनामल एपिथेलियम, इनर को इनर एनामल एपिथेलियम, और दरमियान में स्टार शेप सेल जो फ्लूइड प्रोटीन की तरह है वो स्टिलेट रेटिकुलम। अब याद रखना, अब जो आउटर एनामल एपिथेलियम है या आउटर डेंटल एपिथेलियम है, एमसीक्यूज में आता है उसमें कौन से सेल होते हैं, वो मुश्तमिल होता है क्यूबॉइडल सेल पर। जो इनर एनामल एपिथेलियम है वो कंसिस्ट करता है टॉल कोलमनर सेल पर, और उसके दरमियान जो स्टिलेट रेटिकुलम है उसमें इनिशियली पॉलीगोनल सेल होते हैं कई कोने वाले, फिर बाद में वो स्टार शेप बन जाता है। अब यहां पर हम डायग्राम में देखेंगे। अब डायग्राम एक बोमेन कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर है हमारे साथ, जिसमें जो लेफ्ट साइड पर C1 से है वो आउटर एनामल एपिथेलियम, और जो C3 से इनर एनामल एपिथेलियम, दरमियान में स्टिलेट रेटिकुलम, और जो इनर एनामल एपिथेलियम है वो हमने देखा टॉल कोलमनर सेल है, ऊपर की क्यूबॉइडल सेल है। तो ये हमारे साथ कैप स्टेज भी हुआ। अब चौथा हमारे साथ है डेंटल पिपिला। अब चौथा स्टेज डेंटल पिपिला। डेंटल पिपिला क्या है, अब जो मेसेनकाइमल टिश्यू है वो जो ऊपर कैप स्टेज के अंदर इनविजिनेशन करेगा ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं डेंटल पिपिला। अब यहां क्या है, जो डेंटल पेपिला है जो नीचे जो राइट साइड पे शो किया गया है वो है डेंटल पेपिला। अब पांचवा जो स्टेज है डेंटल पेपिला के बाद वो है बेल स्टेज। अब बेल स्टेज क्या है, बेल कहते हैं गेंटी को। अब गेंटी में क्या होता है, जो बेल स्टेज है, अब जो बेल स्टेज किस तरह बनता है, जब आउटर और इनर इनामल एपिथेलियम फर्थर जो है वो डोन वर्ड मूव करेंगे तो इस वो एक बेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं बेल स्टेज। अब देखिए बेल स्टेज में जो आउटर इनर एनामल एपिथेलियम उससे बहुत ज्यादा मूव किया अंदर की तरफ, ठीक है, इसे कहते हैं बेल स्टेज। अब यानी एक बेल की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। अब एमसीक्यूज में ये आता है कि बेल स्टेज के दौरान कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे कैप स्टेज के दौरान तीन थे, आउटर एनामल एपिथेलियम, इनर एनामल एपिथेलियम और स्टिलेट रेटिकुलम, लेकिन जो स्ट्रक्चर बेल स्टेज के दौरान मौजूद है वो चार है, उसी तरह आउटर एनामल एपिथेलियम, इनर एनामल एपिथेलियम और उसी तरह स्टिलेट रेटिकुलम, जो स्टार शेप सेल थे आउटर एनामल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल, इनर एनामल एपिथेलियम में टॉल कोलमनर सेल, और स्टिलेट रेटिकुलम में इनिशियली पॉलीगोनल सेल और बाद में फिर वो स्टार शेप सेल बन जाता है। और चौथा वो हमारे साथ है वो है स्ट्रेटम इंटरमीडियम, ये स्ट्रक्चर मौजूद है। अब स्ट्रेटम जिसके आउटर एनामल इनर एनामल एपिथेलियम के दरमियान जो स्टार शेप सेल मौजूद है उसे हम कहते हैं स्टिलेट रेटिकुलम, लेकिन जो स्टिलेट रेटिकुलम और इनर एनामल एपिथेलियम के दरमियान जो स्क्वेमस सेल की फ्यू लेयर्स मौजूद है उसे कहते हैं स्ट्रेटम इंटरमीडियम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो छठा स्टेज है बेल स्टेज के बाद वो है ओडोंटोब्लास्ट स्टेज। अब ओडोंटोब्लास्ट स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज के अंदर अब डेंटिन बनता है, डेंटिन फॉर्मेशन होता है। किस तरह डेंटिन फॉर्मेशन होता है, जो डेंटल पेपिला कि वो मेसेनकाइमल सेल जो इनर एनामल एपिथेलियम के नजदीक है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे ओडोंटोब्लास्ट में और ओडोंटोब्लास्ट बनाएंगे डेंटिन, लेकिन सम ओडोंटोब्लास्ट सेल थ्रू आउट लाइफ रिमेन रहेंगे जो फिर टर्शरी डेंटिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये हुआ छठा स्टेज ओडोंटोब्लास्ट स्टेज, जिसमें इनर एनामल एपिथेलियम की तरफ जो डेंटल पेपिला के सेल है मेसेनकाइमल सेल वो डिप्रेशन है। सातवां स्टेज हमारे साथ है पल फॉर्मेशन। अब जो डेंटल पेपिला की जो रिमेनिंग सेल है डेंटिन बनने के बाद अब वो बनाएंगे पल्प। तो पल्प किसे बनता है, पल्प और डेंटिन दोनों डेंटल पेपिला से। आठवां स्टेज हमारे साथ है एनामल फॉर्मेशन। अब एनामल फॉर्मेशन कैसे होती है, जो इनर एनामल एपिथेलियम है वो चेंज हो जाएगा एमेलोब्लास्ट में और उससे बनेंगे एनामल, और जो यानी जो इनर एनामल एपिथेलियम है वो क्या बनाता है, वो डिफरेंशिएट होकर एमेलोब्लास्ट में और एमेलोब्लास्ट से बनेगा एनामल। अब नवा स्टेज क्या है, वो है एनामल क्यूटिकल। ये क्या है, सम एमेलोब्लास्ट, जैसे कि सम ओडोंटोब्लास्ट से फिर टर्शरी डेंटिन बनता है, यहां सम एमेलोब्लास्ट जो है वो स्टिलेट रेटिकुलम जो स्टार शेप सेल है आउटर इनर एनामल एपिथेलियम के दरमियान वहां जाएंगे और
वहां उनके साथ मिल करके इनेमल क्यूटिकल बनाएंगे. ये है इनेमल क्यूटिकल. दसवां जो हमारे साथ है वो रूट फॉर्मेशन. अब रूट फॉर्मेशन किस तरह होती है? आउटर इनेमल एपिथेलियम और इनर इनेमल एपिथेलियम डोंट वर्ड मूव करके हार्टवर्क से एपिथेलियल रूट शीट बनाएगा, उसे बनेगा रूट. नाम से जाहिर है. अब याद रखना है इनर इनेमल एपिथेलियम इनेमल बनाता है, लेकिन आउटर इनेमल एपिथेलियम का क्या काम है? वो इनर के साथ मिल करके वो हार्टवर्क से एपिथेलियल रूट शीट बनाएगा, उसे बनेगा रूट. ग्यारहवा जो स्टेज है वो है सेमेंटोब्लास्ट स्टेज. अब इस यहां सेमेंटम बनेगा. किस तरह? इस स्टेज में सेमेंटम बनता है, सेमेंटोब्लास्ट स्टेज में. किस तरह? जो रूट का जो डेंटिन है उसकी जो लेटरल जो मेसेनकाइमल सेल मौजूद है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे सेमेंटोब्लास्ट में और वो सेमेंटोब्लास्ट बनाएगा सेमेंटम. ये हुआ ग्यारहवा स्टेज. बारहवा स्टेज में अब बनेगा पीडीएल फॉर्मेशन, पेरियोडोंटल लिगामेंट फॉर्मेशन. ये किस तरह होगी पीडीएल फॉर्मेशन? अब जो सीमेंटो अब सीमेंटो सीमेंटम के जो लेटरल जो मेसेनकाइमल सेल मौजूद होते हैं वो क्या करेंगे? वो अब डिफरेंशिएट हो जाएंगे, वो बनाएंगे पीडीएल पेरियोडोंटल लिगामेंट. लास्ट है तेरहवा स्टेज, वो है इरप्शन. अब क्या होगा? अब तो जो है वो इरप्ट हो जाएगा ओरल कैविटी में. अब जो डिसिडवस टीथ है वो जो उसकी इरप्शन 6 मंथ पे स्टार्ट होती है और 2 ईयर में क्या होती है? 2 सालों में वो कंप्लीट होती है. तो दोस्तों हमारे साथ आज जो टूथ डेवलपमेंट उसकी जो 13 स्टेजेस है वो हो गए. अब हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल. तो अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो आपके लिए हमारे साथ टेलीग्राम का चैनल है, उसका नाम है फर्स्ट टू फाइनल ईयर एमबीबीएस, जिसमें आपको तमाम नोट्स बुक्स लेक्चर एमसीक्यूज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पर मिलेंगे. दूसरा हमारे साथ है बीडीएस के लिए 2 चैनल है हमारे साथ, दोनों का नाम है फर्स्ट टू फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर्स. वहां आपको नोट्स बुक्स वीडियो सब कुछ मिलेंगे. तीसरा जो है हमारे साथ वो है व्हाट्सएप ग्रुप, जो अभी तक हम फर्स्ट ईयर बीडीएस बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग लाए हैं. फर्स्ट ईयर बीडीएस ग्रुप पर बॉयज अलग और पर गर्ल्स अलग, उसमें हम नोट्स बुक्स वीडियोस शेयर करेंगे और हर स्टूडेंट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से वहां ऐड है और वो बुक्स नोट्स एमसीक्यू सब कुछ शेयर करेगा. इसके अलावा सेकेंड ईयर बीडीएस के लिए अभी तक हम सिर्फ जो व्हाट्सएप ग्रुप लाए हैं वो है हमारे साथ सिर्फ बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए हम बाद में लाएंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अब इन सब जो ग्रुप्स हैं, चाहे टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो. तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और इसके अलावा जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उसकी पढ़ाई क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए. और उसके अलावा जो है आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को इस वीडियो से फायदा हुआ कि नहीं, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी. और उसके अलावा जो है नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो. और इसके अलावा चैनल को जो है सब्सक्राइब करो ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें. तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much.